तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो पेपर अपने इस कोविड के टाइम में पोस्टपोन्ड या कैंसिल कर दिए हैं, या बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो पेपर ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, HSPT बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आपका पेपर पोस्टपोन्ड या ऑनलाइन मोड में होगा या कैंसिल होगा। तो दोस्तों, एक न्यूज निकल कर आया है CBSE की तरफ से, जो CBSE के जो 12th के पेपर हैं, जो CBSE के जो 12th के पेपर हैं बोर्ड के, उन पेपरों का फ्रेंड्स सारे सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा 12th क्लास का, कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उन्हीं का पेपर होगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, CBSE में अप्रॉक्स 174 कुल सब्जेक्ट है 12th क्लास के अंदर, जिनमें 20 ऐसे ही सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, ओनली 20 सब्जेक्ट ही है जो मेन है, सिर्फ उनका पेपर लिया जाएगा इस कोविड के टाइम में। वह पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या कैसे भी होगा, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उनका पेपर ओनली 20 पेपर का ही एग्जामिनेशन होगा। CBSE ने साफ साफ बोल दिया है अपने एक नोटिस के जरिए कि जो CBSE के जो पेपर होंगे उनका एग्ज़ाम होंगे 12th का, ओनली 20 सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है उनका पेपर होगा। उन्होंने मोड अभी डिसाइड नहीं किया है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मोटिव यह है कि जो आपके स्टेट कॉलेज हैं, स्टेट लेवल के जो कॉलेजेज हैं, स्पेशली हरियाणा बोर्ड के जो कॉलेज हैं, उनको एक सूचना देना चाहिए कि जो आपका पेपर ऑनलाइन होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन उनका कुछ ऐसा अभी तक सीन नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेज है यूपी में, दिल्ली में ऐसे कल नोटिस निकला था कि दिल्ली के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे UGPG के जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के हैं। तो आप देख सकते हैं, दिल्ली में भी कोरोना है, बंगाल में भी कोरोना है, तो उनके बच्चे प्रमोट हो रहे हैं बट हरियाणा के बच्चे प्रमोट नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करना और गोयल जी के पास भेजना, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है और जो आपके हेड है वहाँ के अनिल विज सर, उनको पास भेजना, और उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो इन बच्चों का पेपर है पोस्टपोन कीजिए, कैंसिल कीजिए, या उनके पेपर ऑनलाइन मोड में लिया जाए। जो भी बच्चे डिप्लोमा के हैं, BTech के हैं, MTech के हैं, डी फार्मेसी के हैं, डी फार्मा के हैं, MLT के, किसी का भी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि आप उनका पेपर ऑनलाइन मोड में ले। आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी का सारे का पेपर पोस्टपोन हो रहा है, मैक्सिमम पेपर तो कैंसिल हो गए, प्रमोट हो गए बच्चे। और ऐसे कल नोटिफिकेशन आया CBSE का कि उनका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनका ही पेपर लिया जाएगा। मूड अभी क्लियर नहीं हुआ है तो गाइज सारा कुछ हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करना, और हरियाणा सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका, आप जो बच्चे हैं हरियाणा के, उनका प्रमोट करो या उनका ऑनलाइन एग्जाम लो। सो थैंक यू बॉस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट करना, और चैनल पर बने रहना। So thank you friends.